अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको उबटन बनाने का तरीका बता रही हूँ जो कि डाइट्स के लिए बहुत अच्छा है। डेली ऐसा उबटन बता रही हूँ जो आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, वीक बाद भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए क्लिनजर भी, एज ए स्क्रब भी, और आपकी अगर शादी होने वाली है या आप शादीशुदा हैं या जो भी, इवन आपकी ये आप इतनी बेस्ट चीज़ है कि आप इसको डेली स्किन केयर में यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये एक डिब्बा आप ऐसे बना के रख लें, एक ही बार आप इस पर वर्क कर लें और ये आपका काफ़ी टाइम या टाट कंटेनर में रख लें और ये आपका बहुत लॉन्ग चलने वाला है। ठीक है, तो मैं मज़ीद इसके आपको यूज़ बताती हूँ। पहले हम इसके इंग्रीडियंट पर बात करेंगे, इसमें क्या क्या शामिल है और ये पिसा हुआ कैसा होना चाहिए। इतना बारीक पिसा हुआ होना चाहिए ये। इसको आपने ना चाय वाली छन्नी में ग्राइंड करके, चाय वाली छन्नी में आपने ना इसको अच्छे से पीस लेने, जो मोटे दाने रह जाएंगे वो आपने ऐसे स्क्रब यूज़ कर लेने। ठीक है, तो ऐसे फाइन होना चाहिए क्योंकि डेली हमें यूज़ करना है तो दानेदार ना हो। तो इसमें सबसे पहले है बेसन। बेसन है वो हमें वाइटनिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, बेसन है एक्नी वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, जिनको एक्नी है उनके लिए अच्छा है। तो आपने इसमें बेसन लेना है, क्वांटिटी आपने ऐसे करना है कि सारी चीज़ें रख लेंगे फिर आपने मिकदार देख लेनी है। बेसन इसमें होगा जैसे आपका 2 कप के हिसाब से हमने बनाना है, 2 कप छोटे जो होते हैं स्मॉल, 2 कप बेसन हो गया। और इसके बाद आपने जो आटा लेना है, जो आटा जो है क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छा है, जो फेस पे रूआ वगैरह होता है उनके लिए बहुत अच्छा है, फेयरनेस का भी काम, जितने भी आटे हैं ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसमें जो आटा हम 2 कप लेंगे, 2 कप बेसन होगा, जो आप अपने हिसाब से अमाउंट थोड़ी ज़्यादा कर लें। उसके बाद हो गया आप ऑरेंज के जो छिलके हैं उनको, जैसे सीजन होता है आप उनको ड्राई कर लें अलग से पीस के, उसको रख लें जब आपको ज़रूरत ओपन बनाने लगे आप रख लें। तो मैंने रख लिए थे सीजन में, फिर मैंने इसमें मिक्स किए। तो ऑरेंज पील पाउडर होगा वो भी इसमें आप क्वांटिटी हाफ भी कर सकते हैं, उसी जितनी भी कर सकते हैं। ऑरेंज में आपको पता है एक तो बहुत अच्छा क्लिनजर है, एक इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है विटामिन ई होता है और स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं ये विटामिन सी, और ये आपको पता है ऑरेंज की बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए। ठीक है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, स्किन की फेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा क्लिनजिंग के लिए अच्छा है। तो आपने इसमें वो डाल देना है 1 कप। ठीक है, क्योंकि जब पाउडर बनेगा तो ठीक ठाक ना वो होगा, कम हो जाएगा, अच्छे से पीसना आपने इसको अच्छे से है। उसके बाद है आप इसमें डालेंगे नीम। नीम को भाई आपने ड्राई कर लेना है, पहले धो लेना है, ड्राई करना है, उसके बाद पाउडर बना लेना है। पहले बहुत सारी लगेगी, जब आप नीम को धो के और सुखा लेंगे तो नीम बहुत कम रह जाएगी। तो 1 कप इसमें आपने नीम डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद नीम जो है बहुत अच्छा स्किन की जितने भी प्रॉब्लम्स है, आपके स्किन पे एक्नी होगी या होने वाली है या आप जो भी कुछ लगाते रहते हैं फेस पे उससे कोई डैमेजेस होते हैं, तो नीम उसके लिए आपकी स्किन को हेल्दी करने के लिए, स्किन के जितने मसले हैं उनको हल करने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद है मलठी। मलठी स्किन को एक तेवन करती है और मलठी की बहुत ज़्यादा फायदे हैं हमारी स्किन के लिए, छाइयाँ वगैरह खत्म होती हैं, स्किन को टाइट करती है। तो मलठी आपने उसको ग्राइंड कर लेना अच्छे से और वो आप इसमें उसमें 2 चम्मच डाल देने। ठीक है, अगर 2 कप आपने बेसन वगैरह लिया है तो ठीक है ना, भर के चम्मच 2 मलठी के डाल देंगे। उसके बाद संदल पाउडर इसमें डालेंगे। संदल जो है आपको पता है स्किन को फेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। तो 1 कप 2 कप हमने बेसन किया तो संदल जो है इसमें आपने 1 कप डाल देना है। ठीक है ना, उसके बाद अगर महंगा पड़ता है तो आप इसमें 1/2 कप भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी चीज़ें डाली हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो अगर 1 कप नहीं तो आप 1/4 कप ले लेंगे। ठीक है, डालना है आपने इसे। फिर गुलाब की पत्तियाँ होगी, आप सीजन है गुलाब की पत्तियों को सुखा के रख लें, गुलाब की पत्तियाँ भी आपने इसमें 2 कप डाल देनी है। ठीक है ना, गुलाब की पत्तियाँ जितनी डालेंगी उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो एक तो स्किन को बहुत ज़्यादा नरम लाइन करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा जो है स्मूथ कर देगा और एक्नी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा गुलाब, और एक फेयरनेस भी देगा, नरम लाइन करेगा स्किन को। फिर उसने यूसफ इसमें डालेंगे, उसने यूसफ भी सबको पता है बहुत ज़्यादा फेयरनेस में काम देता है। ठीक है, स्किन को बिल्कुल धुला हुआ और एकदम क्लियर कर देता है, डेली आप यूज़ करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उसने यूसफ और जो संदल लगेगी आपने देख लेनी है जितनी अमाउंट आपको मिलती है, 1 कप डाल सके या 1/2 कप डाल दें, 2 कप में हाफ कप जो है संदल डाल लें, 1/2 कप अपनी उसने यूसफ डाल दें। अगर आप चम्मच के हिसाब से बनाएंगी तो आपने पहले और चीज़ों की मकदार भी देख लेनी है। ठीक है, फिर अनार है। अनार के छिलके बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, स्किन में कोई वैसे फोड़े वगैरह निकल रहे हों, ब्लीडिंग वगैरह इवन हो रही हो तो कहते हैं उसका पाउडर छिड़क ले तो बंद हो जाती है। तो अनार के छिलके अवेलेबल हो तो आप उसको छिलकों को अच्छी तरह से पीस लेंगे और ये फेयरनेस में भी काम देता है। ठीक है, तो अनार के छिलके भी 2 से 3 चम्मच डाल देंगे आप इसके इसमें, पाउडर जब बनता है तो वो बहुत ज़्यादा कम रह जाता है। उसके बाद अलसी के बीज हैं। अलसी के बीज आपने इसमें उसको अच्छे से पीस लेने हैं और 1 कप अलसी के बीज डाल देने। अलसी जो है एक तो फाइन लाइन्स को ख़त्म करेगी, जितनी भी आपने रिंकल्स वगैरह हैं लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद आपके वो खत्म हो जाएंगे और एक्नी वगैरह भी खत्म हो जाएगी और स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है। फिर हो गया चावल का आटा, आपने चावल का आटा ले लेना है 2 कप। चावल का आटा आपको पता है ये भी हमारी स्किन को टाइट करता है और स्मूथ करता है, बहुत ज़्यादा चाइनीज लोग ये यूज़ करते हैं, हर चीज़ में आजकल चावल यूज़ हो रहा है। चावल का आटा 2 कप होगा और फिर बादाम हमने इसमें डाले, बादाम हमने क्रश कर लेने, अच्छे से सुखा लेने उसको, ऐसे आपने पीसेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पीसने ना तो रोक रोक के पीसने, ज़्यादा ऐसे अच्छे से पीसते हैं तो वो फिर ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, तो आपने रोक रोक के पीसना है। ठीक है ना, फिर पाउडर उसकी नमी को बाद में सोख लेगा तो ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपने बादाम जितना आपको अवेलेबल हो आप उतने 1/2 कप में हो जाता है आपके पास, तो आपने 1/2 कप इसमें बादाम का पाउडर डाल देना है और इसको आप एयरटाइट कंटेनर में रख लेंगे। बाकी हो गई ये इस्तेमालात के बाद, ब्राइडल हैं आप इसको दूध में मिक्स करके लगाएं, मलाई में मिक्स करके लगाएं, जस्ट पानी में भी, मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ, मैं इसको जस्ट पानी में थोड़ा सा तेल की ऐसे चुटकी रखती हूँ और थोड़ा सा पानी डाला तो उसके साथ लगा लिया, या थोड़ा सा क्लिनजर लेके उसमें मिक्स करके लगा लिया,
हफ्ते बाद, जैसे मास्क के तौर पे हल्का सा दूध में पेस्ट बनाया, मास्क के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है, और उबटन के हिसाब से भी जैसे आप यूज़ करते हैं, और डेली भी इसको आप इवन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से पीसा है, तो आप इसको डेली एज ए क्लिनजर के तौर पर, जस्ट अकेला भी क्लिनजर के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसका दरदरा पाउडर था वो स्क्रब के तौर पर, और इसको आप फुल बॉडी पर भी लगेगा। आप जब नहाने जाते हैं, आप एक पेस्ट बना के चले जाएँ और इसको फुल बॉडी पर आप अच्छे से स्क्रब कर दें, आपको किसी साबुन की, लोशन, किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं रहती। आप डेली रूटीन में भी नहाते हैं तो आप इसको बेलाजेस यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे फायदे वाले रिजल्ट मिलेंगे, और उम्मीद है आपको मेरी ये रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। मुझे ये इस्तेमाल करते काफ़ी टाइम हो गया और ये मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। आपने देखे मैंने इतना डब्बा भर के रखा हुआ है, जब मेरा खत्म होने लगता है मैं नहीं बना लेती हूँ। तो रेमेडी आपने देख लेनी है, लिख लेनी है अच्छे से, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिख लूँगी मज़ीद, आपने लिख लेनी है और इसको यूज़ करना है। ये डेली क्लिनजिंग के लिए और फुल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। आप फुल बॉडी पे इसको जब मसाज करेंगे, स्टार्ट में थोड़ा लगाना नहीं आ रहा होता, मुश्किल लगता है, लेकिन आप जब लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं तो आपको हाथ पाँव पे और फेस पे और क्लिनजिंग, अब मुझे आदत हो गई, मैं इससे इजीली डेली मुंह भी धो लेती हूँ, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा, मास्क भी आप इसका लगा सकते हैं हफ्ते के बाद, और फुल बॉडी पे आप इसको स्क्रब के तौर पे भी और क्लिनजिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, या किसी भी आप नहाने वाले जो आप बात यूज़ करते हैं जो भी नहाने के लिए, तो उसमें आप थोड़ा सा डाल लेंगी और एक चम्मच वो ले लेंगी, आधा चम्मच ये मिक्स करेंगे, फुल बॉडी पे लगा लेंगी, अच्छे से झाग बन जाएगी, फिर उतार लेंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।